तो कल जैसे ही गाना आया केआर के कुत्ता, लगभग 4 बजे के आसपास, उसके ठीक आधे पौने घंटे बाद केआर के भाई साहब ने ये गाना देखा, जिस गाने में उनकी बहुत ही ज्यादा दिल खोलकर तारीफ की गई और 1.2 मिलियन के ऊपर व्यूज ऑलरेडी चले गए 24 घंटों के अंदर। तो केआर के ने गाना देखकर तलमला उठा, बौखला उठा, और करे तो क्या करे, जैसे कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि सिर्फ खंबा नोच सकते थे और कुछ कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पर केआर के भाई साहब ने ये चैलेंज किया है कि मक्का मैं अब इस गाने पर अपना रिप्लाई दूंगा, यानी कि साफ यहाँ पर ये मतलब है कि केआर के भाई साहब शायद कोई गाना बनाएंगे या फिर केआर के भाई साहब मक्का सिंह को रोस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट जिसमें मेंशन किया है कि मैंने गाना देख लिया है मक्का सिंह तेरा, और तेरे गाने में जो विंदु दारा सिंह है ना, जिसको पुलिस ने बुकिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया था सट्टेबाजी के, वहीं तेरे गाने में तोशी शाबरी जो है वो मीटू मूवमेंट में फेमस है बहुत, तो मैं आता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ तेरा, विंदु देखते देखते जो आगे आगे होता गया। यानी कि खुला चैलेंज फिर से केआर के ने कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान मेरा ध्यान भटकाना चाहता है इन सब से तिकड़म करके दूसरों के जरिए, लेकिन मैं अब ध्यान भटकने वाला नहीं है, और जिस दिन सलमान खान का कैरियर मैं खत्म कर दूंगा उस दिन ये नल्ले चमचे भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से न केवल सलमान खान को इनडायरेक्टली कहते हुए टारगेट किया इसने, बल्कि मिका सिंह को भी साफ कहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और अब मेरी बारी है, देख मैं क्या करता हूँ। यानी खुला चैलेंज है, मैंने कहा था कि ये जो चिंगारी है ये आग में भड़केगी और आग जो जली है ये दूर तक जाएगी। तो ये गाना काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हाँ ये गाना तूल पकड़ेगा, लोगों को पसंद आ रहा है, स्पेशली ऑल सलमानिक्स आउट देयर, बॉलीवुड लवर्स आउट देयर। वैसे एक बंदे ने ट्वीट कहा था कि सूर्या भाई ये गाना किसी को पसंद आया ना आए, ये गाना सलमान भाई को पसंद आएगा, ये गाना ऐसे कई सारे लोगों को पसंद आएगा जिन पर रोस्ट किया गया, यानी अक्षय कुमार को पसंद आएगा। और एक भाई साहब ने तो यहाँ तक कहा कि यार सूर्या भाई सलमान खान को ये गाना प्रमोट करना चाहिए केआर के कुत्ता, तो वो नाराज हो रहा था फैन। मैं बोला यार ऐसे कोई बात नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में गाना आ चुका है, और मेकअप आज भी क्या छोटे मोटे बंदे तो है ही नहीं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं जानते हैं, तो गाना ऑलरेडी लोगों की जबान पर चढ़ चुका है। यानी कि बॉलीवुड में जिन लोगों की उसने बुराई की है उन सभी ने जरूर ये गाने को बार बार रिपीट करके देखा होगा, गाया होगा, कुत्ता 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 कुत्ते का बच्चा, तो कुछ इस तरह से लिरिक्स है। और मिका पाजी ने कह के ले ली, अब केआर के ने तो जरूर दावा किया है कि वो भी कह के लेंगे, लेकिन क्या वीडियो आएगा क्या नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। हाँ, लेकिन इसके बाद से कल से केआर के ने अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट कर दिया है, चाहे वो डर से किया होगा कि मिका पाजी के या सलमान खान के पता नहीं, और कोर्ट में भी केस आ, देखो कोर्ट में भी केस चालू है जिस पर सलमान खान और केआर के डिफेमेशन केस ज्यादा कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसकी सुनवाई है 15 तारीख को टल गई है। तो ये सब अपडेट है। तो आपने ये गाना देखा तो कितनी दफा गुनगुनाया, क्या आपको ये गाना सही लगा या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या लगता है, जो तिलमिला उठे है केआर के पाजी, अब केआर के क्या करेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय।